अगर आप लोगों से पूछा जाए इस डेटा में से कैलकुलेट करके बताओ मार्च मंथ में टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर हमें टोटल सेल्स का डेटा नहीं दिया हुआ। कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर हमें सबसे पहले टोटल सेल्स का कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो होगा सेल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंड उसके बाद मंथ का कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो निकलेगा डेट वाले कॉलम में से, एंड देन उसके बाद हम लोग यहां पर सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करके टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बट यहां पर टोटल सेल्स को निकालने के लिए दो एक्स्ट्रा कॉलम्स को ऐड करना पड़ा। आज मैं आपको एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप सेम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉलम को ऐड किए हुए। अगर आप इस फॉर्मूले को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज जिस फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं वो है सम प्रोडक्ट। तो आइए समझते हैं कि सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता क्या है। ये फॉर्मूला दो वर्ड से बनता है, सम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड सम का मतलब होता है टोटल। ये फॉर्मूला सबसे पहले डिफरेंट रेंजेस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है रो बाय रो, एंड उसके बाद उन सारी वैल्यूज का टोटल निकालता है। अब समझते हैं कि इस फॉर्मूले की एडवांटेजेस क्या है, क्यों इस फॉर्मूले को एक्सेल एक्सपोर्ट्स के द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले की सबसे पहली एडवांटेज ये है कि इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद एक्स्ट्रा कॉलम्स को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सिंगल फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को यूज किया जा सकता है। आज से पहले हमने सम, सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ्स के फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज किया है, बट ये सिंगल फॉर्मूला इन सारे फॉर्मूले को रिप्लेस करता है। सम इफ एंड काउंट इफ का जो फॉर्मूला है वो एरेज को हैंडल नहीं कर सकता, बट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला एरेज को बहुत इजिली हैंडल कर सकता है। आज के टाइम पे एक्सेल एक्सपर्ट्स इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब भी उनको एडवांस कैलकुलेशंस करनी होती है, एंड आई एम अस्यूमिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे निकालना है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉलम ऐड करते हैं सेल्स के लिए, एंड उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी वाली वैल्यू को, एंड इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो मेरे पास निकल गया सेल्स वाला कॉलम, एंड इसी का मुझे टोटल चाहिए तो मैं यहां पर यूज करूंगा सम का फॉर्मूला जिसके अंदर मैं इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास आ गया टोटल सेल्स। बट अब हम लोग यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला जिसके बाद आपको इस वाले कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के साथ। सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उनके अंदर हमें डालना होता है एरेज, जिसका मतलब होता है रेंज। तो यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं सबसे पहले प्राइस वाली रेंज को, कॉमा, सेकेंड रेंज मेरी होगी क्वांटिटी वाली, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो अब ये क्या करेगा, इन दोनों रेंजेस में मल्टीप्लाई करेगा रो बाय रो इन सारी वैल्यूज को, एंड लास्ट में उन सभी का टोटल दे देगा कुछ इस तरीके से। तब देखिए हमारे पास इन दोनों सेल्स के अंदर सेम रिजल्ट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पर हमें निकालना है टोटल सेल्स फॉर दिल्ली लोकेशन। तो यहां भी हमें टोटल सेल्स चाहिए बट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली लोकेशन के लिए। यहां पर आप लोग सम इफ के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, बट आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को, जिसके अंदर मैं सबसे पहले इस वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा क्वांटिटी वाली रेंज को, वो इसलिए क्योंकि यहां पर मुझे निकालना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स मेरा निकलेगा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी के साथ। अब यहां पर हमारे पास कंडीशन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाली लोकेशन का ही टोटल सेल्स निकालना है, जिसके लिए मैं लोकेशन वाली रेंज को सेलेक्ट करूंगा एंड लिखूंगा इक्वल्स टू दिल्ली। सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अंदर हम कंडीशंस को कुछ इस तरीके से डालते हैं, जहां पर मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है एंड इक्वल्स टू दिल्ली लिखा है। एंड सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले में जब भी हम लोग कंडीशंस को यूज करते हैं तो उन कंडीशंस को हमेशा हम ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं। जब हमने प्राइस एंड क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट किया था उनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर नहीं डाला है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सम फॉर्मूले के अंदर जब भी हम लोग कंडीशंस को यूज करते हैं उनको हम ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं, एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करूंगा सम प्रोडक्ट का, एंड जैसे मैं एंटर करता हूं आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर हमें जीरो क्यों मिला है। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला रो बाय रो मल्टीप्लाई करता है, एंड यहां पर हमारे पास तीन डिफरेंट रेंज है, लोकेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पर भी ये इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है। जब ये मल्टीप्लाई करता है प्राइस एंड क्वांटिटी को,
जब तक तो ठीक है क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं, बट जब ये मल्टीप्लाई करता है दिल्ली को तो वहां पर हमारा काम खराब हो जाता है क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। अगर मैं इस वाली कंडीशन को सेलेक्ट करके देखना चाहता हूं कि इसका आउटपुट क्या आता है, तब देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जहां पर डेली होगा वहां पर आउटपुट आएगा आपका ट्रू, एंड जहां पर आपका डेली नहीं है वहां पर मिलेगा फॉल्स, एंड जिसका मतलब ये है कि जहां पर आपका ट्रू मिला है ये क्या करता है, ट्रू मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1190। तो यहां पर हमारा काम खराब है क्योंकि हमें ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आउटपुट मिलता है, हमें जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए नंबर्स में। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से पहले मैं यहां पर डबल नेगेटिव साइन को यूज करूंगा। अभी डबल नेगेटिव साइन क्या करेगा, जहां पर आपका ट्रू था उसको कन्वर्ट करेगा वन में, एंड जहां पर फॉल्स था उसको कन्वर्ट करेगा जीरो। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके दोबारा देखना चाहता हूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तब देखेंगे जो इसका आउटपुट था वो ट्रू एंड फॉल्स से कन्वर्ट हो चुका है वन जीरो में, जिसका मतलब ये है कि जहां पर डेली है वहां पर तो होगा वन, एंड जहां पर डेली नहीं है वहां पर होगा जीरो, एंड वन का मतलब क्या होगा, वन मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1190, जिससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही काम करेगी, एंड जहां पर जीरो होगा जीरो मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1060 वो आपका जीरो ही आएगा। एंड अब मैं अगर एंटर हिट करता हूं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं डेली के लिए फिल्टर लगाता हूं तो इसका जो टोटल है आप नीचे देख पाएंगे, इसका टोटल आता है 2,62,600, एंड हमारा जो आउटपुट आया वो भी सेम है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है टोटल सेल्स दिल्ली एंड यूपी लोकेशंस के लिए, जिसका मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर जहां भी दिल्ली आए या फिर यूपी आए मुझे उसका टोटल सेल्स चाहिए। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के साथ, जिसके अंदर एरे वन जहां पर मैं सबसे पहले इस प्राइस वाली रेंज को सेलेक्ट करता हूं कॉमा, उसके बाद सेलेक्ट करता हूं क्वांटिटी वाली रेंज, तो इन दोनों रेंजेस के थ्रू मेरा निकलेगा टोटल सेल्स। अब मुझे डालनी है कंडीशन कि मुझे दिल्ली एंड यूपी इन दोनों में से जो भी लोकेशन होगी उसकी वैल्यू को पिक करना है। तो जैसे हमने पहले यूज किया था वैसी कंडीशन यहां पर यूज करेंगे। मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं इक्वल्स टू, एंड यहां पर लिखूंगा दिल्ली, एंड इस कंडीशन को लिखने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट्स का। फ्रेंड्स यहां पर मुझे एक कंडीशन और डालनी है जो है यूपी के लिए, एंड हम लोग ये कह रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो या फिर यूपी हो इन दोनों में से जो भी होगा उसकी वैल्यू हमें पिक करनी है। इसका मतलब यहां पर हम और की कंडीशन को यूज करना चाह रहे हैं, दिल्ली और यूपी, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है वो भी सेम कॉलम है। सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले में जब भी हमें और की कंडीशन को यूज करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लस साइन, एंड यहां पर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं सेकंड वाली कंडीशन के लिए जिसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाली रेंज को इक्वल्स टू यूपी, डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर हमारे पास ये दो कंडीशंस है जो हमने एक ही एरे के अंदर यूज करी है, इसीलिए मैं इस कंप्लीट कंडीशन को एक ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, एंड इसके आगे मैं यूज करूंगा डबल नेगेटिव्स क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। यहां पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा सम प्रोडक्ट का एंड हिट एंटर, तो यहां पर आपको टोटल सेल्स मिलेगी दिल्ली एंड यूपी की। एंड मैं अगर यहां पर फिल्टर लगाता हूं दिल्ली एंड यूपी के लिए, तब देखिए आपकी जो टोटल सेल्स है वो 6,61,800 आती है, एंड यहां पर जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल सेल्स निकालना है उन कैटेगरीज का जो बिलोंग करती हैं सी से एंड जो यूपी वाली लोकेशन से बिलोंग करती है। अगर आपने ध्यान दिया हो जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर जो कंडीशंस थी वो सेम कॉलम में थी जिसके लिए हमने यूज किया था और की कंडीशन, बट इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशंस हैं वो भी दो डिफरेंट कॉलम्स में। तो हम कहते हैं कि इस वाले कॉलम में जहां भी सी होगा एंड इस कॉलम में जहां भी यूपी आएगा मुझे उसी की टोटल सेल्स को निकालना है, जिसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा एंड वाली कंडीशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को, सेल प्राइस कॉमा क्वांटिटी वाला कॉलम कॉमा। अब मुझे कंडीशन डालना है कैटेगरी एंड लोकेशन के लिए जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूं एंड कंडीशन, एंड यहां पर हमें एंड ही कंडीशन क्यों यूज करना है क्योंकि इन दोनों कॉलम्स में जब भी ये कंडीशंस मीट होंगी तभी हमें रिजल्ट चाहिए। तो यहां पर मैं लगाऊंगा ब्रैकेट जिसके अंदर मैं डालता हूं सबसे पहली कंडीशन जहां पर मैंने कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है इक्वल्स टू, ये मेरे पास कैटेगरी वाली कंडीशन, एंड इसको मैं डालता हूं ब्रैकेट्स में। सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अंदर जब भी हमें और कंडीशन को यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं प्लस का साइन, एंड अगर हमें एंड कंडीशन को यूज करना है तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन साइन।
एक ब्रैकेट और स्टार्ट करता हूं, लोकेशन वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा इक्वल्स टू ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंड इन दोनों कंडीशंस को मैं डालूंगा एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर, एंड उसके बाद सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को क्लोज करूंगा एंड हिट एंटर। तो यहां पर आपका सेल्स आ चुकी है फॉर यूपी लोकेशन, जो सिर्फ और सिर्फ सी वाली कैटेगरी के लिए है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाली शीट पे। सो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में मुझे निकालना है कि मार्च मंथ में टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो यहां पर आप लोग सम इफ्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट जिसके लिए हमें दो डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहां पर यूज करूंगा सेल्स का कॉलम, जिसके अंदर मैं निकालूंगा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंड इसके बाद मैं निकालूंगा मंथ, कि मुझे मार्च मंथ निकालना है, जिसके मैं यहां पर यूज कर सकता हूं मंथ का फॉर्मूला कि ये कौन सा मंथ आता है, एंड उसके बाद मैं सिंपल यूज कर सकता हूं सम इफ्स का फॉर्मूला, जिसके अंदर मैं कहता हूं कि मुझे इसका टोटल निकालना है जहां पर इस वाले मंथ की वैल्यू 3 आती है, एंड मुझे आउटपुट मिलता है 283,800। अब देखते हैं कि इसी काम को हम सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जिससे हमें इन दोनों कॉलम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को। यहां पर मुझे चाहिए टोटल सेल्स, तो सबसे पहले मैं प्राइस एंड क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देता हूं, कॉमा। अब यहां पर सिंपल कंडीशन डालनी है हमें कि इस डेट वाले कॉलम में से मुझे चाहिए मार्च वाला मंथ, तो यहां पर हम यूज करेंगे मंथ का फॉर्मूला, एंड मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट करता हूं, एंड कंडीशन क्या होगी हमारी कि इस मंथ के फॉर्मूले के थ्रू अगर आउटपुट आता है इक्वल्स टू 3, क्योंकि जो मार्च का महीना है वो होता है 3rd, एंड इसको मैं डालूंगा ब्रैकेट्स के अंदर एंड ब्रैकेट क्लोज। सो फ्रेंड्स, अब यहां पर मैं एंटर हिट करता हूं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर हमें 0 क्यों मिला है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर हमने डबल नेगेटिव साइन को यूज नहीं किया है, एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो यहां पर आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो हमें सम इफ्स के फॉर्मूले के थ्रू मिला था, बट यहां पर हमने ये दो डिफरेंट कॉलम्स को यूज किया था, एंड यहां पर हमें एक भी कॉलम को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं। पहले टेबल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है कि ये सारे प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट लोकेशंस पे किस प्राइस पे सेल किए जाते हैं, एंड सेकंड टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है कि इन सारे प्रोडक्ट्स का इन डिफरेंट लोकेशंस पे टोटल कितनी सेल हुई है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एंड यहां पर हमें निकालना है टोटल सेल्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड फॉर ऑल लोकेशंस। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल और ऐड करते हैं जहां पर हम सबसे पहले सेल्स निकालते हैं प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंड इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इन सारे सेल्स के अंदर, एंड उसके बाद मैं नीचे टोटल निकालूंगा एंड इसको कॉपी पेस्ट करूंगा इन सारे कॉलम्स के अंदर, एंड इसके बाद जाके मैं इन सारी रेंज का टोटल निकालता हूं। तो ये आती है टोटल सेल्स जो है 769,300, बट इसके लिए आपको एक कंप्लीट टेबल का यूज करना पड़ा। अब इसी काम को अगर मैं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के थ्रू करूंगा तो कैसे होगा। सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अंदर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, इस सेकेंड रेंज को सिलेक्ट करूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो देखिए आपके पास सेम रिजल्ट आ गया, यहां पर हमें एक भी एक्स्ट्रा सेल की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला इन दोनों टेबल्स में रो बाय रो एक एक वैल्यू को पिक करता है एंड उनको मल्टीप्लाई करता है एंड लास्ट में जाके उन सभी का टोटल हमें निकाल के दे देता है। फ्रेंड्स, आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है एंड कितनी इजी तरीके से आप इसको एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब हम लोग सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को और एडवांस लेवल पे यूज करने वाले हैं। यहां पर हमें निकालना है टोटल सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या कहती है कि जहां भी प्रोडक्ट 2 है इस वाले कॉलम के अंदर, जहां भी प्रोडक्ट 2 आता है, कैटेगरी जहां भी ए होगी एंड जहां भी लोकेशन फरीदाबाद होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी की टोटल सेल्स निकालनी है। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं सम प्रोडक्ट को। टोटल सेल्स के लिए मैं प्राइस एंड क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे डालनी है कंडीशंस, एंड हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस है, वो भी 3 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, जिसका मतलब हमें यूज करना है एंड वाली कंडीशन। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं पहली कंडीशन के साथ, जो है मेरा प्रोडक्ट वाली लिस्ट इक्वल्स टू ये वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। सो यहां पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें एंड की कंडीशन लगानी है। सेकेंड कंडीशन हम स्टार्ट करेंगे कि इस वाली रेंज के अंदर जहां भी ये वाली वैल्यू मैच होती है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई। एक कंडीशन हम और लगाएंगे जहां पर
लोकेशन वाली रेंज के अंदर इक्वल्स टू फरीदाबाद आता है, ब्रैकेट क्लोज। एंड इन तीनों कंडीशंस को हमने एक ही एरे के अंदर यूज किया है, तो इन तीनों कंडीशंस को हमें डालना है एक ब्रैकेट के अंदर। एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम सम प्रोडक्ट का एंड हिट एंटर। तो यहां पर आपके पास आ गया 147,400 बेस्ड ऑन कंडीशन वन। यहां पर मैं ओपन करता हूं कंडीशन टू। अब हमारे पास दो कंडीशंस कि इस डेटा के अंदर जहां भी पहली कंडीशन मैच होती है या फिर दूसरी कंडीशन मैच होती है, मुझे उसका टोटल सेल्स चाहिए। इसके लिए हम इसी फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं, बट यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब हमारे पास कंडीशन टू है, इसका मतलब कंडीशन टू के लिए हमें यूज करना है और, क्योंकि हम कह रहे हैं चाहे कंडीशन वन हो चाहे कंडीशन टू हो, हमें दोनों का ही रिजल्ट चाहिए। जहां पर हमने अपने कंडीशंस को क्लोज किया है, इसका मतलब जहां पर हमने थर्ड एरे को क्लोज किया है, उसके बाद हम यूज करने वाले हैं प्लस का साइन, क्योंकि यहां पर हमें और ही कंडीशन लगानी है। एंड यहां पर मैं यूज करने वाला हूं कि इस प्रोडक्ट के अंदर जहां पर इक्वल्स टू आएगा ये वाला प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि सेकेंड कंडीशन के अंदर में हमारे पास ये तीन कंडीशन है, प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड लोकेशन के लिए। ब्रैकेट स्टार्ट, इस कैटेगरी के अंदर इक्वल्स टू बी कहां पर आता है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कंडीशन और है जो है आपकी लोकेशन के लिए, इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमने सेकेंड वाली कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। बट फ्रेंड्स, ये दोनों कंडीशन हमें एक ही एरे के अंदर डालनी है, तो मैं यहां से एक ब्रैकेट और स्टार्ट करूंगा एंड यहां पर इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा एंड हिट एंटर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इस फॉर्मूले को आप दो से तीन बार देखिए कैसे हमने यहां पर इस कंप्लीट फॉर्मूले को यूज किया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टोटल सेल्स ऑन बोथ कंडीशंस, इस क्वेश्चन को हमने यहीं पर सॉल्व कर दिया है। अब निकालना हमें टोटल काउंट ऑफ डेली लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला सम इफ एंड काउंट इफ के फॉर्मूले को रिप्लेस करता है। सो आइडियली यहां पर हमें काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हम डेली वाली लोकेशन का काउंट निकालना चाहते हैं। और उसी काम को हम सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब यहां पर हमें टोटल सेल्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ टैली वाली लोकेशन की ही कंडीशन लगानी है, तो मैं इस वाली रेंज को सेलेक्ट करूंगा, इक्वल्स टू टैली, ब्रैकेट क्लोज। एंड जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो। वो जीरो क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, क्योंकि ये कंडीशन है। तो हमें यूज करना पड़ेगा डबल नेगेटिव्स। अब डबल नेगेटिव्स के लिए आपको सबसे पहले इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा एंड इसके आगे उसके बाद आपको यूज करना है डबल नेगेटिव्स। तो अब आप जैसे ही एंटर हिट करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा सिक्स, क्योंकि यहां पर टोटल सिक्स लोकेशंस हैं दिल्ली की। सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज से पहले आप में से किस किसने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हमें निकालना है टोटल काउंट। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, कैटेगरी एंड लोकेशन। इसका मतलब यह है किस कैटेगरी वाले कॉलम में जहां भी सी आता है एंड लोकेशन वाले कॉलम में जहां भी यूपी आता है, मुझे उसका टोटल काउंट निकालना है। एंड ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे हमने यहाँ पर सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यूज किया है, उसी तरीके से आप लोगों को सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके टोटल काउंट निकालना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो या फिर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।